बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से शिशिर ऋतु की विशेषता बताते हुए कहते हैं, हेमंत ऋतु का समय बीत गया और हेमंत के भाई शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा अर्थात चमक खत्म हो गई है और वह द्युतिहीन अर्थात सौंदर्य रहित हो गई है। शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड के कारण पृथ्वी पर धुंधलका अर्थात कोहरा छा गया है। पड़ता खूब तुषार पदम दल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, शिशिर ऋतु की ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। निशाकाल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से शिशिर ऋतु की रात का वर्णन करते हुए कहते हैं, शिशिर ऋतु में रात्रि के समय बहुत ठंड होती है, ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर घर से बाहर ठंड के मारे कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, शिशिर ऋतु में आधी रात को यदि कोई व्यक्ति पल भर के लिए भी अपने घर से बाहर आंगन में आकर निर्जन अर्थात सूने आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, शिशिर ऋतु के ठंडक भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से अमीर और गरीब वर्ग पर शिशिर ऋतु के होने वाले प्रभाव को दिखाते हुए कहते हैं, शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है, वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और ना भाजी। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाकर शिशिर ऋतु की ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों को एक वक्त के लिए सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती अर्थात उन्हें उपवास करना पड़ता है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई बुरा असर नहीं होता, वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता, मगर ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है। गरीबों को
ठंड से कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। वे हैं सुख साधन से पूरित सुधर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं, उनके घरों में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती, वहां सदा उदासी का माहौल छाया रहता है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति का महत्व समझाते हुए कहते हैं, पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे, किसी को पेट भरने यानी क्षुधा पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति से ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मानवता का संदेश देते हुए कहते हैं, मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे पर उपकार करने की भावना होनी चाहिए। संदेश समता की ओर कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि सभी मनुष्य समान होते हैं, कोई अपने को बड़ा या छोटा न समझे, मनुष्य को एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए।